हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी और जी के मर्जर के बारे में। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि कुछ महीनों पहले मैंने आपको बताया था कि जी और सोनी का मर्जर होने जा रहा है, यानी कि ये दोनों कंपनीज़ मर्ज होके एक कंपनी बनने वाली हैं। तो जी के चैनल्स और सोनी के चैनल्स सारे एक ही कंपनी के अंडर आ जाएंगे। और यही नहीं, इनकी जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, जैसे कि सोनी वालों की सोनी लिव है, जी वालों की जी फाइव है, वो भी मर्ज हो जाएंगी किसी ना किसी तरह से। और जो जी और सोनी का जो कंटेंट है वो सारा एक ही अम्ब्रेला के अंडर आएगा। तो गाइस, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मर्जर्स वगैरह होते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बिकॉज़ इनकी परमिशन वगैरह लेनी पड़ती होती है और जो पेपर वर्क वगैरह होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। तो काफ़ी महीनों से प्रोसेस चल रहा है और अब फाइनलाइज ही होने जा रहा है। लेकिन सोनी और जी के जो मर्जर है, इसके कारण CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ कंसर्न्स थे, उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी। उनका ये कहना है कि सोनी और जी दोनों ही बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, और अगर दोनों ये जुड़ जाती हैं यानी कि मिलकर एक बन जाती हैं, तो इनके पास हद से ज़्यादा पावर आ जाएगी, यानी कि अनपैरेलल्ड डोमिनेंस हो जाएगी इनकी इंडस्ट्री में, और बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन पावर आ जाएगी। यानी कि जो दूसरे चैनल्स हैं, फिर दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनीज़ हैं, वो तो इनके सामने खड़ी नहीं पाएगी, तो काफ़ी अनफेयर हो जाएगा उनके लिए। तो ये कुछ कंसर्न्स थे CCI के, जो कि इनके मर्जर के बीच आ रहे थे। इसी के कारण सोनी और जी वाले ऑफर कर रहे हैं अपने ही चैनल्स को बंद करना। तो सारे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन सोनी और जी अपने कुछ चैनल्स को बंद कर सकते हैं आने वाले महीनों में, बिकॉज़ वो CCI को ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी जो मर्ज होके एक कंपनी बनेगी वो हद से ज़्यादा डोमिनेंस नहीं करेगी। यानी कि उनके जो हद से ज़्यादा चैनल्स लॉन्च हुए पड़े हैं रीजनल एरियाज़ वगैरह में, उनमें से किसी को वो बंद करेंगे, ताकि अपनी डोमिनेंस जो है वो दिखा सकें कि कम है। ऐसा नहीं है कि हमारे मर्ज होने से हद से ज़्यादा सारे चैनल्स हमारे अंडर ही आ जाएंगे। बेसिकली CCI को वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके मर्ज होने से दूसरे चैनल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उनके जो इतने ज़्यादा चैनल्स हैं उनमें से कुछ चैनल्स को वो घटाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, बिकॉज उनके लिए मर्जर ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। अब हम बात करें कौन से चैनल हैं जो कि शट डाउन हो सकते हैं। फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा जो चांस है वो है जी मराठी चैनल का, कि ये बंद हो जाएगा आने वाले महीनों में इस मर्जर के कारण। और भी चैनल्स हो सकते हैं दोनों ही साइड से, सोनी की साइड से भी हो सकते हैं, जी की साइड से भी, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन वाले चैनल्स हैं, जैसे कि जी टीवी या फिर जी अनमोल, सोनी टीवी, सब टीवी, सोनी मैक्स, ये सब, इनमें से कुछ भी बंद नहीं होने वाला है, ये मेन चैनल्स हैं। अगर कोई चैनल्स बंद होंगे तो वो रीजनल वाले होंगे, तो उनके लिए ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि जी मराठी, जी पंजाबी, तो ऐसे जो रीजनल चैनल्स हैं वो बंद हो सकते हैं आने वाले महीनों में। हालांकि अभी के लिए फाइनलाइज नहीं किए गए हैं कि कौन से चैनल से शट डाउन होंगे, लेकिन जिनके चांसेस हैं आपको बता दिए। आने वाले दिनों में जो भी चैनल शट डाउन होने वाला होगा उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए फाइनल कन्फर्मेशन नहीं है कि कौन से चैनल ये बंद करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी सिचुएशन ये। अगर आ गई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए जी और सोनी के फैंस के साथ। और इस मर्जर से आपके फेवरेट चैनल जैसे कि जी टीवी, सोनी टीवी, सोनी सब वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, वो सब आने वाले हफ्तों में आपको डिटेल्स अपडेट्स हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। उसके लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी ऐसे अपडेट को मिस ना करें, ऐसी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।